गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर कंटिन्यू आवर लेसन 3rd 8th क्लास। ठीक है, एडिंग लाइन टू द चार्ट की जो एड लाइन होती है चार्ट के अंदर, वो हम कैसे करते हैं? एडिंग लाइन टाइटल टू द चार्ट, एड टाइटल कैसे होता है? हमने वीडियो के अंदर चार्ट बनाने सीखे थे, चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। आज हम क्या करेंगे, एडिंग टाइटल टू द चार्ट। चार्ट आप सबको बनाने आ गई, इसके बारे में आप सबको पता चल गया कैसे चार्ट बनाए जाते हैं। सॉरी, ये चार्ट टाइटल इज ए हेडिंग दैट अपीयर्स अबव द मेन चार्ट। इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन व्हाट द चार्ट कंटेन्स एंड द वैल्यूज इफ इन इट इफ एनी। बाय डिफॉल्ट देयर इज नो टाइटल फॉर ए न्यू बुलेट चार्ट इन एक्सेल। To make the chart easily understand, we add a title to it manually. Moreover, we can easily remove position the chart title and format the chart titles as well. Go with this step to add title to the chart. कुछ step भी दिए गए हैं कि हम जो heading line होती है वो उससे main जो chart होते हैं उसको appear करती है। ठीक है, प्राय हम इसका वर्णन करने के लिए या उसको explain करने के लिए जो chart है उसको हम करते हैं और उसकी वैल्यू को वो दिखाता है। ठीक है, कई बार हम बुलेट्स का भी यूज़ करते हैं चार्ट के अंदर। बुलेट्स मैंने आपको बताई थी और एक और वीडियो आपके पास फिर से आ जाएगी। कोई पोजीशन रिमूव करनी है या फॉर्मेट डालना है, कुछ टाइटल देना है उसके अंदर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, आप इसको कैसे करोगे? इसके अंदर यहाँ पर लेआउट होगा, जैसे उसके अंदर हमने इंसर्ट का यूज़ किया था चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर, तो इसके अंदर हम किसका करेंगे, लेआउट का। ठीक है, सबसे पहले हम लेआउट पर जाएंगे, फिर एक्सेस टाइटल बटन, जो हमारा यहाँ पर जो टाइटल बटन है देखो ये रहा, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करेगी, एक ऐसी लिस्ट हमारे सामने खुलेगी ऐसी। ठीक है, टाइटल ब्लू एक्सेस, और ये जो ऑप्शन आएगा हमारे सामने इसके अंदर यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, टाइटल ब्लू एक्सेस, ये यहाँ येलो जो दिख रहा है इसके बिल्कुल पास है, और हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं तो हमारा चार्ट ऐसा होगा। ठीक है, सिमिलरली इसके ठीक समान में क्या होगा कि कैसे होगा, वी कैन ऐड टाइटल टू द अदर एक्सेस आल्सो बाय रिपीटिंग द प्रीवियस स्टेप्स, कि हम अपना पिछला जो स्टेप होता है उसको भी रिपीट कर सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, चेंजिंग द टाइप ऑफ चार्ट, फिर टाइप का जो चार्ट है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करोगे आप उसको, डिज़ाइन टैब। सबसे पहले आप किस पे जाओगे, डिज़ाइन टैब के ऊपर। उसमें हम किस पे गए थे, लेआउट पर, इसमें हम किस पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन टैब पर। फिर चेंज चार्ट टाइप, चार्ट का जो टाइप है उसको हम चेंज कर लेंगे। जैसे हमने पहले क्या कर रखा था, कॉलम चार्ट था, अब हम कोई और चार्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पाई चार्ट ले सकते हैं, बबल चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपना जो टाइप है वो चेंज कर लिया है। कैसे, देखो यहाँ पर इसमें चेंज करके आपको दिखाया है। ठीक है, क्या चेंज करके दिखाया है चार्ट का, सॉरी भाई, चार्ट का जो टाइप है वो यहाँ से चेंज करके इसने दिखाया है। ठीक है, यहाँ से आप, ये इसने पाई चार्ट लिया है, आप यहाँ से कोई और चार्ट भी ले सकते हो। मैंने अलग अलग चार्ट आपको बताए थे, पाई चार्ट, बार चार्ट, बबल चार्ट। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे चार्ट हैं जो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। बताए थे मैंने आपको चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, डायगोनल, सरफेस, स्टॉक, ठीक है, बबल्स एक्सेट्रा। कोई भी चार्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो और इसको बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि हम जो उसका साइज़ है वो कैसे चेंज करते हैं और उसको मूव कैसे करते हैं। इसके बीच में आपके पास एक और प्रैक्टिकल वीडियो आएगी, आगे करेंगे फिर हम बाद में इसको। ओके बेटा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी डे एनी टाइम। ओके, हैव अ नाइस डे।